आप राजस्थान में किसी सरकार देखना चाहेंगे दोबारा? राजस्थान में सर कांग्रेस की सरकार तो टिकट भाजपा की किसी को भी मिलेगा, भाजपा को जिताएंगे जी बिल्कुल। तो वर्तमान में विधायक है चौधरी विनोद कुमार, उनका कार्यकाल आप कैसे देखते हैं? ठीक है जी, उनका जैसे था बढ़िया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काम करवाए उन्होंने? हाँ काम तो करवाए हैं, जो जो हुई है। हम यहाँ पे मरते थे धूप में, इतना बढ़िया सिस्टम कर दिया हमारे को। विनय राज बंसल जी अपने चेयरमैन साहब, इन्होंने बहुत ही विकास करवाया हनुमानगढ़ को। जहाँ गंदगी थी वो गंदगी बिल्कुल आज दिखने को नहीं मिल रही। सरकार किसकी आनी चाहिए राजस्थान में बताएं? हम तो कांग्रेस की मानते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का समय कुछ ही बचा है। हनुमानगढ़ विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर जो है इस बार टिकट को लेकर काफ़ी घमासान मचने वाला है, क्योंकि जो भाजपा के पूर्व जल संसाधन मंत्री है या चुनाव लड़ते आए हैं जो विधायक रहे हैं, वो अभी एज फैक्टर के चलते उनकी टिकट कट सकती है। और यही हालात जो हैं चौधरी विनोद कुमार जो कांग्रेस पार्टी के, उनकी भी हो सकती है। और कहीं ना कहीं ये दोनों जाट नेता है और शुरू से लेकर अब तक यही चुनाव लड़ते आए हैं, किसी ने भी कोई जहमत नहीं उठाई कि वे चुनाव की दावेदारी पेश करें। हालांकि टिकट काफ़ी लोग मांगते हैं, लेकिन टिकट मिलती है तो इन्हीं दो कद्दावर नेताओं को मिलती है। इस बार हनुमानगढ़ की टिकट को लेकर क्या रणनीति रहेगी, किसे टिकट मिलेगी, किसे किसकी टिकट कटेगी और आम जनता की क्या राय है इस बार जो हनुमानगढ़ विधानसभा में कौन सी पार्टी का विधायक जीतेगा और कौन सी का हारेगा, इस जानने के लिए हम आम जनता के बीच पहुँचे, इनसे बात करेंगे। हाँ जी, आपसे पूछना चाहूँगा सबसे पहले मैं कि यहाँ हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ टिकट का दावेदार जो भाजपा है कांग्रेस है कौन है? देखो जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो आज हमारा जो स्टैंड का विकास था, मतलब इतने सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, आज गणेशी लाल जी ने हमारे लिए सब कुछ किया, स्टैंड बना के दिया, स्टैंड ये शेड लगा के दिए हैं, पानी की व्यवस्था कराई है। हम ऐसा मतलब कैंडिडेट चाहना चाहते हैं जो हमारा स्टैंड का विकास, शहर का विकास, गांव का विकास, ये होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ जो हनुमानगढ़ की बात करें तो टिकट जो भाजपा से है तो डॉक्टर राम प्रताप को मिलती है और कांग्रेस से चौधरी विनोद कुमार को मिलती है, तो इस बार क्या लगता है उनकी एज फैक्टर भी, एज भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो क्या उनकी टिकट कटती है तो कौन दावेदार हो सकता है? देखो जी, हम आपके माध्यम से जाना कर चाहते हैं चैनल से, हम ये चाहते हैं अभी सरकार कांग्रेस की, जो कांग्रेस की सरकार रही है 5 साल, इन्होंने हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं करवाया। जो अशोक जी जो आज वो जिन्होंने जगह जगह कैंप लगा रखे हैं, उस कैंप का अभी तक किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। जो कहते बिजली का बिल माफ़ है, मानो कि सिलेंडर 500 रुपये मिलेगा, वो कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये एक लॉलीपॉप है, जैसे मानो कि आप बॉन्ड के लेने के चक्कर में ये सरकार कांग्रेस सरकार कर रही है। हम ये चाहते हैं रिपीट दोबारा सरकार ये बीजेपी की ही होनी चाहिए। जो वसुंधरा ने काम करवाए थे अपने टाइम, डॉक्टर राम प्रताप जी ने काम करवाए थे, जो पुल का ये उद्घाटन करवाया था सतीपुरा में, ये अभी तक 5 साल ये पेंडिंग पड़ा है। नहीं, काम तो अभी गहलोत सरकार भी काफ़ी करवा रही बता रहे हैं। नहीं जी, हम तो ये चाहते हैं ये जो उद्घाटन किया था ये पुल का वसुंधरा जी ने किया था, ये दोबारा सरकार वसुंधरा जी आएगी तो उसी टाइम में इसका काम चालू, ये उसका कंप्लीट होगा। अशोक गहलोत ने इसका, इसके बारे में अभी तक ना सोचा, लोग परेशान, जनता परेशान हो रही है, जनता परेशान हो रही है। ये मान रहे हैं कि मात्र वोटों की राजनीति के लिए कैंप लगाए गए हैं, लेकिन बात जो मैं कर रहा हूँ कि हनुमानगढ़ में इस बार टिकट अगर कटती है, जैसे डॉक्टर राम प्रताप की एज होगी है चौधरी विनोद कुमार जी की, तो किसे मिलनी चाहिए? देखो जी, अगर डॉक्टर राम प्रताप को टिकट नहीं मिलती है, हम ये चाहना चाहते हैं भी टिकट मिले तो बीजेपी ही कोई कैंडिडेट को मिले, जो अच्छा, जो समझदार, जो विकास के लिए जो उम्मीदवार हो उसको ही टिकट दी जाए। आप क्या कहना चाहेंगे हनुमानगढ़ की राजनीति की बात करें? हनुमानगढ़ी की राजनीति की जी, जैसे विकास हुआ है जी अभी हनुमानगढ़ के अंदर, तो पहले से लेके अब तक अच्छा विकास हुआ है जी, और इस हिसाब से गणेश जी, राज जी ने, बंसल जी ने बहुत अच्छा काम कराया है जी, तो देखते जाए तो उनको टिकट मिलनी चाहिए। हाँ जी, तो इनका कहना है कि जो नगर परिषद के जो सभापति हैं गणेश राज बंसल, उनको इस बार भाजपा की टिकट मिलनी चाहिए, क्योंकि वे प्रयास भी कर रहे हैं लगातार, उनकी बातें भी सामने आई है कि वे भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि वे अभी कांग्रेस पार्टी का जो बोर्ड है और वो कांग्रेस पार्टी से, और वो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए वे पार्टी बदल भी सकते हैं। इन लोगों ने कहा है कि उनको टिकट मिलनी चाहिए क्योंकि वो विकास कार्य काफ़ी करवा रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताएं जी, क्या मानते हैं राजस्थान के अंदर किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की। हाँ जी, बीजेपी की।
तो बीजेपी क्यों चुनना चाह रहे हैं आप? बीजेपी ने बहुत अच्छे काम करवाए थे, इसलिए हम बीजेपी को ही चुन रहे हैं। और हनुमानगढ़ में किसकी बात करते हैं आप? हनुमानगढ़ में ही बीजेपी है। बीजेपी की बात जी। तो टिकट किसको मिलनी चाहिए अगर उनकी टिकट कट जाती है डॉक्टर राम प्रताप की? क्योंकि बता रहे हैं कि एज काफी ज्यादा हो चुकी है, एज के चलते उनकी टिकट काटी जा सकती है। एज उनकी ज्यादा हो गई है, बाकी आदमी बहुत अच्छे थे और वो ही किसी को टिकट दिलाए उनको मिले। तो टिकट भाजपा की किसी को भी मिलेगा, भाजपा को जिताएंगे जी बिल्कुल। आप क्या मानते हैं बताएं जी? अपना कुछ नहीं। नहीं, आप राजस्थान में किसी सरकार देखना चाहेंगे दोबारा? राजस्थान में सर कांग्रेस की सरकार देखना चाहेंगे। हाँ जी, कांग्रेस की क्यों मान रहे हैं आप? क्या काम करवाए उनने से? कांग्रेस ने बढ़िया काम करवाए हैं सर, आप देखो बढ़िया एक नंबर के काम करवाए हैं कांग्रेस। तो ये कह रहे कांग्रेस की जो गहलोत सरकार, उन्होंने काफी अच्छे काम कराए, आपसे पूछना चाहूंगा, आप बताएं जी क्या बंसल को चाहते हैं? हम तो उनकी सरकार आनी चाहिए बीजेपी की। अच्छा, वो बीजेपी पार्टी में जानी चाहिए? हाँ जी, बहुत अच्छा काम किया, हमारे को स्टैंड दिया है, बहुत बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। हनुमानगढ़ जंक्शन को चमन बना दिया है, टाउन में इतना बढ़िया पार्क बनाया, सभी रोडे हैं, कहीं भी आजकल कचरा गंदगी कुछ नहीं है। यहाँ गणेश जी बंसल आने चाहिए। अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो भी हम धोनी का साथ दोगे। तो इनका कहना है कि जो सभापति गणेश राज बंसल है वो कहीं ना कहीं मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो विकास कार्य करवाए हैं हनुमानगढ़ के अंदर, काफ़ी विकास कार्य करवाए, सड़कों का निर्माण हो, पार्कों का निर्माण हो, जिस तरह से सिटी पार्क बनाया है, और भी काफ़ी विकास कार्य कराए हैं, इसके लिए इनका मत है कि गणेश राज बंसल भाजपा से टिकट मिले या ना मिले, भले ही वे निर्दलीय चुनाव लड़े तो भी वे उनको जिताएंगे। और जो यहाँ के जो वर्तमान में विधायक है चौधरी विनोद कुमार, उनका कार्यकाल आप कैसे देखते हैं? ठीक है जी, उनका जैसे था बढ़िया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काम करवाए उन्होंने? हाँ, काम तो करवाए हैं जो जो भी है उनके। हम यहाँ पे मरते थे धूप में, इतना बढ़िया सिस्टम कर दिया हमारे को, कितने लोगों के घर चल रहे हैं, ये गणेश बंसल जी ने करवाया है सब कुछ। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, आप बताएं जी क्या मानते हैं आप? मैं सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ, जो ये गणेश राज बंसल जी हैं अपने चेयरमैन साहब, इन्होंने बहुत ही विकास करवाया हनुमानगढ़ को। जहाँ गंदगी थी वो गंदगी बिल्कुल आज दिखने को नहीं मिल रही, और जहाँ भी देखा जाए बहुत अच्छा विकास है। और मैं मानता हूँ भाई, कोई भी टिकट मिले, चाहे बीजेपी मिले चाहे कांग्रेस मिले, और मैं कहता हूँ भाई गणेश जी एक टिकट पे दावेदार होने चाहिए। तो क्या मानते हैं हनुमानगढ़ में परिवर्तन होना चाहिए? बहुत ज़्यादा परिवर्तन होना चाहिए। तो इनका कहना है कि जो हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर, हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम चैनल से, हम ये कहना चाहते हैं भाई, अगर जो टिकट भी गणेश जी को टिकट मिले, बीजेपी की मिले, तब भी हमने ये निश्चित कर लिया भी आगे जो विकास किया वो भी बढ़िया किया, जो आगे विकास होने वाला वो भी बढ़िया करवाएंगे गणेश जी। उन पे विश्वास है? उन पे विकास विश्वास है जी। और हमारा ये स्टैंड आज से 20 सालों से पेंडिंग पड़ा था, जिन्होंने हमारे को सब कुछ बना के तैयार करके दिया है। अब 200 ड्राइवरों की रोजी रोटी चल रही है, इसी स्टैंड से चल रही है जी, जो गणेश जी बंसल ने करवाया है। और जो टिकट में हम ये चाहते हैं, जो टिकट मिले तो गणेश जी बंसल जी को बीजेपी की मिले। और अगर कांग्रेस की मिलती है तो? कांग्रेस की टिकट मिलती है उनको? कैसे जी? अगर वो टिकट भाजपा की नहीं मिलती उनको, कांग्रेस की मिलती है तो? अगर कांग्रेस की मिलती है फिर भी वो सीट निकालेंगे जी। वो निकालेंगे? हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ निकल के आ रहा है कि जो परिवर्तन होना इस बार तय है, क्योंकि जो सभापति गणेश राज बंसल है वो प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें विधायक चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिले, भले ही उन्हें भाजपा से मिले या कांग्रेस से मिले, हालांकि वो प्रयास भाजपा के टिकट से कर रहे हैं। आप बताएं जी हनुमानगढ़ की राजनीति के बारे में क्या? हमारे को पता नहीं है जी। नहीं, सरकार किसकी आनी चाहिए राजस्थान में बताएं? हम तो कांग्रेस की मानते हैं। कांग्रेस की? हाँ। कांग्रेस ने क्या काम करवाए? बढ़िया ही किया जी, ये भी हमारा स्टैंड कांग्रेस ही देनी है। गणेश जी बंसल तो जे अपने चौधरी है तो इनका ही देना हमारे को, हमारे तो यही है और क्या। तो ये कह रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए काम किए, हमारे विकास कार्य करवाए, हम तो उन्हीं को वोट करेंगे। लेकिन फिलहाल जो मुख्य बात ये है कि जो हनुमानगढ़ के अंदर अभी तक जो जाट नेता, भाजपा से हो कांग्रेस से हो, दोनों ही जाट नेता हैं, यही चुनाव लड़ते आए हैं। और इस बार जो भाजपा के जो नेता हैं डॉक्टर राम प्रताप, पूर्व में जल संसाधन मंत्री रह चुके हैं, इस बार कहा जा रहा है कि एज फैक्टर के चलते उनकी टिकट कट सकती है। वहीं दूसरी ओर जो चौधरी विनोद कुमार हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी टिकट भी कट सकती है, क्योंकि एज फैक्टर उन पर भी लागू होता है। अगर आलाकमान ये कह दे कि एज फैक्टर के चलते इनकी टिकट काटी जाती है, तो कहीं ना कहीं जो परिवर्तन होगा, यहाँ के जो सभापति वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के गणेश राज बंसल, उनको टिकट मिलती है तो वो कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट करेंगे। यहाँ के जो ये टैक्सी स्टैंड के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे लिए काफ़ी विकास कार्य करवाए हैं, हनुमानगढ़ जंक्शन हो, टाउन हो, काफ़ी विकास कार्य
करवाए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इस बार जो पार्टी के जो आलाकमान है वो हनुमानगढ़ की परिस्थिति को देखते हुए इन दोनों जो पुराने नेता हैं, क्योंकि हर बार यही चुनाव लड़ते हैं, इनकी टिकट में बदलाव आता है या नहीं, ये देखने वाला आने वाला समय बताएगा। और देखना होगा कि इस बार हनुमानगढ़ से भाजपा और कांग्रेस के अंदर क्या लड़ाई निकल कर सामने आती है, क्योंकि परिवर्तन होना यहाँ पर तय है। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।